सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना संतोष एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज हम 12 वोल्ट ऑटो कट बनाएंगे, ठीक है। बैटरी फुल चार्ज होने पर ऑटो कट हो जाएगा। तो ये बैटरी इस इन्वर्टर से डायरेक्ट लगी हुई है, तो ये बढ़ती रहती है, इसका ख़राब होने का चांस है, ठीक है। तो 25-24 वोल्ट तक देता है ये ट्रांसफार्मर। तो इसमें ये 3 एम्पियर का है, तो ये ख़राब हो सकती है बैटरी, ये लगी रहती है। तो ये इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए ये ऑटो कट बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहले और भी फ्यूचर डाला था, ठीक है। तो आज ये डालूँगा, ठीक है, इसमें ये बनाऊँगा इसके लिए, और बाद में फिट कर दूँगा। अभी तो आपको बना के दिखाऊँगा पहले, ठीक है। तो अभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस, इसको मैं पहले बना के देखा था, तो 100% वर्क भी करता है, और इसमें प्रीसेट लगाया था वो दिखाऊंगा अभी। ये प्रीसेट लगाया था, ठीक है, ये 10K का है, ये 100 ओम का है, ठीक है, दोनों। तो ये काम नहीं कर रहा इसमें, ये लगा के देखा, ये प्रीसेट, ये दूसरा, ठीक है। ये एम्पलीफायर में आता है वॉल्यूम कमती बत्ती करने के लिए, ठीक है। तो ये उसी का काम करता है। 3 पिन इसमें है, 3 पिन इसमें आती है, ठीक है। तो ये है अभी, ठीक से दिखाता हूँ, B50K, ठीक है, 50K, ठीक है। तो अभी इसका यूज करेंगे, और इसमें ये है 1K रेजिस्टेंस, 5399 डायोड, ठीक है। ये 10 एम्पियर का एक रिले, ये तीन वोल्ट की LED, ठीक है। ये रेड है, ये ग्रीन है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर 547 का है, ठीक है, 547B। तो इसी का यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज। तो ये पहले बना के देखा था, तो 100% वर्क कर रहा है। तो अभी आपको मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसको कनेक्शन करता हूँ इसमें, इस पॉइंटों को दोनों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो अभी मिलाता हूँ। मैं एक चीज़ और भूल गया था, मैं दिखाया नहीं, यह है रेजिस्टेंस, 3.3K रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसी से मिलाएंगे इसको, ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है, दोनों पॉइंटों पे। तो गाइस, ये कनेक्शन हो चुका है इसमें, और अभी इस पर ये ट्रांजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। तो इसी का तो कनेक्शन है ही, ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइनस एक जगह कर देंगे इसका, मिला देंगे LEDO का, और प्लस इधर और प्लस इधर दोनों कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये ट्रांजिस्टर इस पर अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस, अटैच हो चुका है, और अभी इसको अटैच करेंगे, ठीक है, प्रीसेट को। तो पहले इसकी लेग को सीधा करेंगे। तो गाइज, इस रेजिस्टेंस पे इस प्रीसेट को सेट कर देता हूँ। तो गाइज, ट्रांजिस्टर की बीच की पॉइंट इसके बीच की लेग पे लगाना है, ठीक है, देखो सेंटर में, और ये भी साइड की तरफ, ठीक है गाइज। तो एक कनेक्शन हो चुका है इसमें, और अभी ये और रह गया, इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर की तीसरी लेग पे, ठीक है। और अभी इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये माइनस प्लस के लिए ले रहे हैं वायर, प्लस का यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। ये देखो, तो गाइज, ये दो लेग आपस में भिड़ाए थे, मतलब मिलाए थे वहाँ पे, ये प्लस का है, ठीक है,
ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। और यहाँ से ही एक ही हम ग्राउंड निकालेंगे, ठीक है, तो इसको ऑन ऑफ करेगा इस वायर को, ठीक है। तो यही एक वायर ऑन ऑफ होगा, ठीक है, ये दोनों। और यहाँ पे तो एक ग्राउंड देंगे ताकि ये रिले चल सके, ठीक है। और माइनस रहेगा बैटरी में, डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूँ और आप लोग भी बना सकते हो। ये देखो, तो गाइस मैं ये तीन ही वायर निकालूंगा इसमें से, ठीक है। तो ये प्लस पे मतलब माइनस पे लगा देंगे बैटरी के और इन्वर्टर के आ रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक है। और ये एक लगेगा इन्वर्टर का यहाँ पे, ठीक है, इनपुट पे, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट है, तो यहाँ से बैटरी पे चला जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम वो कम कर लेता हूँ, हाँ ठीक है दोस्तों। तो अभी इसको चेक करते हैं चला के, ठीक है, ये वर्क करेगा कि नहीं, ठीक है। तो अभी आपके सामने है, तो ये बैटरी मतलब इन्वर्टर का, ये दूसरा भी इन्वर्टर का है। अभी इसका पावर चेक करा देता हूँ, एम्पियर इसका। ये देखो बहुत ही भयंकर तरीके से, देखो क्या हो गया, यहाँ पे अटैच करके दिखाता हूँ। तो इससे तो बैटरी ख़राब होगी डायरेक्ट, आप लोग मत लगाना। ये देखो क्या हाल हो गया इसका। तो अभी मैं इसके लिए ही बनाया हूँ, ठीक है। तो अभी इसको चला के देखते हैं, ठीक है। इसको 200 वोल्ट पे रखूँगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ वोल्टमीटर को, हाँ दोस्तों अब दिख रहा है आपको। और अभी मैं इसकी फुल वोल्टेज दिखाता हूँ कितनी वोल्ट निकाल रहा है, ठीक है। ये देखो 24 वोल्ट, तो इसमें तो बैटरी बिल्कुल भी मतलब 100% ख़राब होगी, ठीक है। तो इसको मैं इस चीज़ से कमती बत्ती करके सेट करूँगा, ठीक है। ये पंखे वाला रेगुलेटर, ठीक है। तो इससे मैं इसमें इन्वर्टर में कम दूंगा लाइट, फिर यहाँ पे कम होगी वोल्टेज 100, और यहाँ पे इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो वो कमती बत्ती करने वाला मेरे पास है नहीं तो उसी से करता, ठीक है। और इससे अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस का वायर, तो यहाँ पे इसमें दे देंगे, ठीक है, ओपन करने के लिए इसको। और ये देखो यहाँ पे लाइट आ चुकी है। और अभी मैं आपको एक बार और चेक करा देता हूँ, ये देखो 23 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि एक वोल्ट तो ये रिले ओपन होने में लग जाता है, ठीक है, ये चीज़ें चलती है। तो एक बार और देख लेना 23 वोल्ट यहाँ पे। पहले इसमें और इसमें वोल्टेज सेट करता हूँ, ठीक है, और इसमें तो इसमें बाद में टेस्ट कराऊंगा आपको, ठीक है। ये 23 हो रही है वोल्ट, तो अभी मैं इसको कम करता हूँ। ये गिर रहा है वोल्टेज, इसको 14 वोल्ट पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको यहीं पे सेट कर लेते हैं हम, ठीक है। ये देखो ये ऑन है, और यहाँ पे 13 वोल्ट दिखा रहा है, और इसको ओपन करेंगे यहाँ पे 14 वोल्ट, ठीक है, ये ऑफ हो गया है। और अभी इसकी वोल्टेज चेक कराता हूँ,
तो गाइज अभी देखना कितनी वोल्ट पे ऑफ होगा ये। ये ऑफ हो गया 13 वोल्ट पे, ठीक है। ये 12, ये 13 वोल्ट, ये देखो 14 पे जाके ऑफ हो रहा है, क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट बिजली को कम कर रहा है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। मेरे पास वो आगे कंट्रोलर नहीं है, तो 12 वोल्ट वो 24 वोल्ट तक कंट्रोलर आता है, वो नहीं है, तो उसी से अच्छे से होता, ठीक है। तो ये इससे दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा हिलते ही बिजली ज़्यादा आ जाती है इसमें, एसी बिजली, ठीक है, एसी लाइन, और यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, ठीक है। तो थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये ऑफ ऑन हो रहा है, ठीक है। अभी आपको एक बार और दिखा देता हूँ, 10 वोल्ट। मैं धीरे धीरे इसको घुमा रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट एसी को बढ़ा रहा है, ठीक है। ये देखो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है ऑटोमेटिक, ये वोल्टेज गिर गई। पता नहीं है क्या हो रहा है इसमें, मतलब ये देखो यहाँ से हट गया था ये। तो अभी इसको वापस देखते हैं कितनी वोल्ट पे ऑटो कट होता है। ये 14 पे होगा जाके ये, क्योंकि ये डायरेक्ट बिजली दे देता है, ठीक है। ये देखो ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये 100% वर्क कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। तो अभी इसको मैं इसके अंदर सेट कर दूँगा, ठीक है। और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है दोस्तों। तब तक जय जय भारत, अगले वीडियो मिलेंगे, ठीक है, नई टॉपिक के साथ।